मैं गुना शिवपुरी का स्पाइडरमैन हूं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आम सभा में क्यों कही ये बात। लोकसभा इलेक्शन 2024, गुना की जनता को संबोधित करते हुए सिंधिया ने लोगों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में भाजपा को हर बूथ पर 370 वोट अतिरिक्त मिले, ताकि नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने जाए। सभा में बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि वह गुना क्षेत्र के लिए स्पाइडरमैन है। लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न पार्टियों में अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। ये उम्मीदवार अब रैलियां कर लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के गुना से भाजपा के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में रावत समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो गुना के स्पाइडरमैन हैं। गुना की जनता को संबोधित करते हुए सिंधिया ने लोगों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में भाजपा को हर बूथ पर 370 वोट अतिरिक्त मिले, ताकि नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने जाएं।